हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का डोजिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम वाटर सिस्टम में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का डोजिंग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, कितनी मात्रा में करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है करने का, क्यों करते हैं, ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम वाटर सिस्टम में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसको हम शॉर्ट में SMBS भी बोलते हैं, इसका हम डोजिंग क्यों करते हैं। तो इसका फर्स्ट पर्पस होता है जो पानी के अंदर फ्री क्लोरीन रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम पानी के अंदर क्लोरीन का डोजिंग करते हैं ताकि हम उसके पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल कर सके। क्लोरीन क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम उसको डोजिंग करते हैं पानी के अंदर। लेकिन एक बार डोजिंग होने के बाद क्या होता है, कुछ उसके अंदर फ्ली क्लोरीन होते हैं, उनको हमको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने का पर्पस ये होता है कि अगर हमारा फ्री क्लोरीन पानी के अंदर है और वो मेम्ब्रेन में जाए, आरओ मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन के लिए, आरओ मेम्ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हार्मफुल होता है और EDI के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये SMBS का डोजिंग हम RO मेम्ब्रेन के पहले करते हैं, ओके। और इसको चेक करने के लिए हम ORP मीटर का यूज़ करते हैं। ORP मीटर से हम चेक करते हैं तो ORP मीटर में हमारा अगर रीडिंग 300 मिली वोल्ट से कम होना चाहिए, 300 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हमारे RO मेम्ब्रेन UF और EDI को प्रोटेक्ट करता है, ओके। अब आगे देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो SMBS डोजिंग का कैलकुलेशन हमारा बाकी कैलकुलेशन से अलग होता है, बाकी के जो डोजिंग कैलकुलेशन करते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे हमारा SMBS का डोजिंग कैलकुलेशन हमारे पानी के अंदर कितना फ्री क्लोरीन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पानी में 1 PPM फ्री क्लोरीन है तो हमें 3 PPM का SMBS डोजिंग करना पड़ेगा। मीन्स ये हर 1 PPM फ्री क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 PPM का सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का सॉल्यूशन लगता है, ओके। तो 1:3 के रेशियो में हमें SMBS का डोजिंग करना पड़ता है। अगर हमारे पानी में 2 PPM का फ्री क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें 6 PPM का SMBS का डोजिंग करना पड़ेगा, ओके। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू SMBS का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पानी के अंदर 1 PPM फ्री क्लोरीन है, ओके। तो इसके लिए हमें कितना SMBS डोजिंग करना पड़ेगा, हमें 3 PPM का डोजिंग करना पड़ेगा SMBS का, क्योंकि 1 PPM फ्री क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 PPM का SMBS लगता है, ओके। जो हमारा डोजिंग पंप है उसका कैपेसिटी है 6 लीटर्स पर आवर 1 kg के लाइन प्रेशर में, ओके। और हमारा वाटर का फ्लो रेट है 8 KL/h और हमारा प्लांट 12 आवर्स के लिए चलता है। तो इतना डाटा हमें लगता है। देन हमारा ये फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ SMBS इज इक्वल टू फ्लो इनटू PPM इनटू रनिंग आवर डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे हमारा फ्लो 8 KL/h है, PPM 3 PPM है और रनिंग आवर्स 12 है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिलता है 0.228 kg। देन हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, 228 ग्राम। इस तरह से हमारा SMBS का क्वांटिटी हमें मिल गया है। अभी हमें वाटर का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या है, हमारा जो डोजिंग पंप का कैपेसिटी है वो 6 लीटर पर आवर है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो पंप है हम 50% स्ट्रोक लेंथ पे रनिंग कर रहे हैं, मीन्स 3 लीटर्स पर आवर के रेट से हम डोजिंग करेंगे। तो 12 घंटे में हमें कितना पानी डोजिंग करना है, फ्लो हाफ अप इनटू रनिंग आवर्स, तो 36 लीटर हमें पानी डोजिंग करना पड़ेगा। हमारा पंप का कैपेसिटी 6 लीटर पर आवर है लेकिन हम 50% स्ट्रोक चलाएंगे तो ये 3 लीटर पर आवर पानी वो छोड़ेगा 1 घंटे में, ओके। और हमारा रनिंग आवर्स है 12 आवर्स, तो 36 लीटर पानी हमें डोजिंग करना है 12 घंटे में। तो ये हमारा मिल गया पानी का क्वांटिटी। अब हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, हमने SMBS का क्वांटिटी कैलकुलेट किया था 228 ग्राम और 36 लीटर वाटर का क्वांटिटी, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया।
यह सॉल्यूशन कितना पड़ेगा 3 ppm के डोजिंग के लिए कैलकुलेट हुआ है और 12 घंटे के लिए। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और डोजिंग करते हैं SMBS का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।